आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर शहर से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे चैनल पर आने वाले पहाड़ के वीडियोस को आपने बहुत ही अच्छी तरह से देखा, आपके कमेंट्स हमें लगातार मिलते रहते हैं और आपके प्रेम और सौहार्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अभी हम काशीपुर शहर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर माँ चामुंडा देवी के मंदिर में आए हुए हैं और नवरात्र में यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भजन कीर्तन हो रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर बना रखा है डांडिया उत्सव के लिए, बहुत अच्छा मंच कहें पंडाल कहें, बहुत बेहतरीन ढंग से बना रखा है यहाँ पर। चामुंडा देवी के मंदिर के आसपास अन्य कई सारे मंदिर बना रखे हैं और उनमें विभिन्न देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। और अभी यहाँ पर कीर्तन भी हो रहे थे तो वंदना ने भी उसमें भाग लिया था, अच्छा लगा है। कहते हैं जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली, और इस मंदिर के प्रांगण में एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया हमें, केले का, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पर भी लोगों ने दिए जला रखे हैं, तो ये है प्रकृति को समर्पित पूजन। और इधर चल रहा है भी फोटो शूट। ये है चामुंडा माता का मुख्य मंदिर और गर्भगृह में माता रानी को पिंडी रूप में स्थापित किया गया है। अंदर के चित्र और फोटोग्राफ्स हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मंदिर के बाह्य सौंदर्य को हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। और ये है चामुंडा मंदिर प्रांगण में स्थित भगवान भोलेनाथ का शिवालय। ओम नमः शिवाय। और यहाँ पर मंदिर को सजाने के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारे पुष्पों को लाया गया है, पुष्पों की माला बना रखी है और इससे माँ चामुंडा के मंदिर में सजावट की जाएगी। हरी पत्तियाँ ये पहाड़ में होती हैं ना, जो पहाड़ी नदियों में पाए जाते हैं ये हरी पत्तियाँ। और इसमें गुलाब के फूल भरे हैं सारे, बहुत बढ़िया। अभी टाइम हो रहा है 7:15 और यहाँ पर श्रद्धालु और दर्शक लगातार मंदिर में आ रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेकर के मंदिर के सौंदर्य को देख रहे हैं और फिर उसके बाद अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चामुंडा मंदिर के इस
वातावरण को और लोगों की नवरात्रों में माता रानी के प्रति कितनी श्रद्धा है, इस वीडियो के माध्यम से हम लगातार आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और पहाड़ी संस्कृति की झलक दिखाते हैं हम आपको। और ये देवी माँ के सबसे बड़े भक्त प्रसाद मिलते हैं, प्रसाद चक्र। ये देखिए प्रसाद। और मंदिर के बाहर यहाँ पर माता रानी के श्रृंगार और प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं।